गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे नंबर 17 ऑफ माय 100 डेज फैट लॉस चैलेंज। दिन की शुरुआत आज पपाया खाने से हुई है और आज ना मैं 10 बजे के अराउंड उठी थी, मतलब 9:30 के अराउंड, तो इसलिए मैंने पपाया खाया। जूस हो गया है रेडी। काफी लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा जूसर यूज करती हूँ, तो वो है वन क्लिक ब्रांड का। दिस इज दिस ग्रैंड वन क्लिक, एंड ये ना मिक्सी भी बन जाती है और जूसर भी है। अगर ये अटैचमेंट हटा देंगे तो ये नॉर्मल मिक्सी की तरह काम करता है। ये कुछ इस तरह से ऐसे जूस निकाल देता है ऊपर से। तो 11 बजे के अराउंड मैंने बनाया था ये जूस, जो कि है कैरेट एंड बीटरूट का। देन उसके बाद डायरेक्ट मैंने 1:30 बजे लंच किया था और आज लंच में थे राजमा चावल, मेरे प्यारे राजमा। उसके साथ मैंने सैलेड और अचार लिया था, एंड फिर उसके बाद ब्लॉसम्स एवेन्यू का काम किया और यहाँ जारा जी धूप भी सेक रही थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। एंड यू कैन ऑब्वियसली नोटिस कि आज का व्लॉग काफी छोटा है, क्योंकि यार मेरा मूड ना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने इसलिए बस जो खाया उसी का व्लॉग कर लिया ताकि बीच में गैप ना आए। तो छोटू व्लॉग के लिए सॉरी, और अब आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो 4:30 बजे मैंने कॉफी पी थी, कोल्ड कॉफी, बट मैं वो क्लिप लेना भूल गई थी उसकी। फिर डिनर में मैंने सोचा कि आज कुछ ना अलग सा बनाते हैं, क्योंकि राजमा मैंने बॉईल करके ना अलग से रख लिए थे सुबह। तो मैंने रात को थोड़े से देसी घी में प्याज और टमाटर का तड़का लगाया, उसमें राजमा डाले, एंड जो दोपहर को राइस बनाए थे ना मैंने वो भी थोड़े से डाल दिए थे। और मसालों में मैंने सिर्फ नमक डाला था और थोड़ी सी मोमोज की चटनी, ताकि थोड़ा स्पाइसी और वो चटपटा फ्लेवर आए। तो इस तरह से मैंने कुछ राजमा फ्राइड राइस कुछ अलग से ही बना लिया था। ऑनेस्टली एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा, मतलब बड़ा ही चटपटा सा और टेस्टी सा बना था, और वो मोमोज की चटनी डाल के तो और अच्छा फ्लेवर आ गया था। स्वादिष्ट डिनर करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए वॉक करी थी, 15-20 मिनट के लिए, एंड सोने से पहले मैंने पी थी अजवाइन टी। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगी कल विद अ लॉन्गर व्लॉग। तब तक के लिए मुझे याद करते रहना, बाय।